फ्रेंड्स, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बेस्ड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखोगे तो क्या पाओगे, ये देखोगे तो क्या दिखोगे दिखेगा, इसका इंटीग्रेशन हमको कितना कुछ लाना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ तो रहेगा ही, इस पार्ट को छोड़कर जो आएगा हमारा वैल्यू, उसे हमें इसका कैलकुलेट करना है। और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कितना, एक्स टू द पावर ऑफ 5 ई टू द पावर माइनस 4 एक्स टू द पावर 3 डी एक्स, ठीक है। इसी को इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है, और उस इस पार्ट को छोड़ के जो पार्ट आएगा उसको हम एफ एक्स बोलेंगे। तो क्या है ना, तो स्ट्रैटेजी लगाएंगे जब भी ई रहेगा, ये दो पार्ट में रहेगा, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो इसका पावर कितना है 5, तो बहुत बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो हमको क्या सब्सटीट्यूशन लगाना। देखो इसको टी मान देते हैं, माइनस 4 एक्स टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय माइनस 12, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, एक एक्स स्क्वायर डी एक्स का जगह एक एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हम यूज़ कर लेंगे डी टी में, बचेगा क्या एक्स टू द पावर 3, तो एक्स टू द पावर 3 को यहाँ टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स टू द पावर 3 के जगह में हम लिख सकते हैं टी टू द पावर ऑफ माइनस 4 टी डिवाइडेड बाई 4, एक एक्स टू द पावर टी को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई माइनस 12 और ई टू द पावर ऑफ टी, ठीक है। इससे इसको प्रोडक्ट करते बाहर 1/48, इंटीग्रेशन टी ई टू द पावर ऑफ टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, जब इंटीग्रेशन दो टर्म में दिया रहेगा ना, तो यू और भी, तो इसको क्या बाय पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट, बाय पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, 1/48 यू अनचेंज, मतलब टी वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी टी इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ टी और डी टी और होल का डी टी, ठीक है। और फिर कुछ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट भी हमारे लेते हुए चले, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से कुछ आएगा। 1/48 इंटू टी ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी माइनस डी टी बाई डी टी 1 ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी आएगा और प्लस ऑफ सी, यहाँ पर कितना 1/48 ई टू द पावर ऑफ टी बाहर, यहाँ पर टी माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी, टी की जगह हम पुट करेंगे 1/48 ई टू द पावर टी कितना है हमारा, माइनस 4 एक्स क्यूब, यहाँ पर कितना माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी। तो यही हमारा, इसी पार्ट को हमको कितना लाना था, ये टर्म को छोड़कर जो बचेगा वही हमारा एफ एक्स है। तो ये टर्म को जब हम हटा देंगे, यही टर्म आया एक्स्ट्रा, ये टर्म को हटा देंगे तो बचेगा कितना, ये। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 1। थैंक यू।